हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। लास्ट लेक्चर मटन के हम लोगों ने डिस्कस किया था फंक्शनल अल्टरनेटिव्स, रेफरेंस ग्रुप, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, रिलेटिव डेप्रिवेशंस। टुडे विल डिस्कस एनोमी एंड डेविएंस, जिसको आप कहते हैं नियमहीनता एवं विचरण। तो मटन की ये भी कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मटन की जो एनोमी थियोरी है, उसको अगर आप देखेंगे, ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो कंट्रीब्यूशन है और ये यूएसए की सोसाइटी को लेके अपनी बात रखे हैं, बट इट इज रिलेशनशिप विद अदर सोसाइटी ऑल्सो। ये जो थियोरी ऑफ एनोमी की बात करते हैं, इट इज नॉट सिंपली अबाउट एनी सोशल स्ट्रक्चर और सोशल इंस्टीट्यूशन, बट इट इज ए रिलेशनशिप विथ इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल गोल्स एज वेल। ये मैं डिस्कस करूंगा क्यों ऐसा कहते हैं, बिकॉज एनोमी तब होती है, इवन आपने दुर्खाइम के केस में कहते हैं, जब आपकी सोशल सॉलिडरिटी कमजोर हो जाता है या सोशल जो कलेक्टिव कंसाइंस नहीं होती है, डिफरेंसेस क्रिएट होती है, तब तो एनोमी होती है। इसको आप कहते हो पैथोलॉजिकल स्टेट या एक नेगेटिव या एक डिसफंक्शन, जिसको आप कहते हो। तो यहाँ पे एनोमी का मतलब सिंपली एक अनरेगुलेटेड गोल्स की बात नहीं है, ये एक ब्रोकन रिलेशनशिप की बात करता है, जो एक गोल और लेजिटिमेट मींस की बात करता था, उस रिलेशनशिप को ब्रेक करने की बात होती है। दैट मींस एनोमी इज क्रिएटेड व्हेन योर गोल्स एंड मींस, ये दोनों के बीच में अगर वो लेजिटिमेसी ना रहे, तब आप उसको एक अनोमी कंडीशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम देना है, पास करना, अगर ये आपकी गोल है, यू डू हार्ड वर्क, यू प्रिपेयर एज मच एज पॉसिबल एंड यू क्वालिफाई योर एग्जाम, ये उसकी लेजिटिमेट मीन्स है, ये अनोमी नहीं है। बट अनोमी तब होगा जब आप फास्ट आने के लिए, अच्छा नंबर लिखने के लिए अनफेयर मीन्स, जिसको आप चीटिंग कहते हो, कॉपी करके कोई चीट लेके साथ और उसी के माध्यम से अगर आपने इसी मीन्स के आधार पर उस गोल को अचीव किया, फास्ट होना, क्वालिफाई करना, सो दैट इज एन अनोमी कंडीशंस। सो व्हाट इट एक्सप्लेन्स, इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन योर गोल एंड द लेजिटिमेट मीन्स टू फुलफिल योर गोल। ये दोनों रिलेशंस, ये दोनों चीज के बीच में जब ब्रेकडाउन होती है, देन दैट क्रिएट्स एन अनोमी। तो इस अनोमी को समझने के लिए मर्टन एक पांच तरीके की बात करते हैं, जिसको CIRR, CIRRR, अगर आपको याद रखना है, ये आसान होगा, किर CIRRR। तो सी स्टैंड्स फॉर कंफॉर्मिटी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अनुरूपता। व्हाट डज इट मीन? कंफॉर्मिटी का मतलब, जब आपकी कल्चरल गोल जो आपके एस्पिरेशंस में है और आप उसको अचीव करने के लिए जो समाज की दिया हुआ माध्यम वो आपने माना, सो दैट मीन्स इट इज वेरी मच रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ दैट हाउ ए स्ट्रक्चरलिस्ट हु अंडरस्टैंड्स एंड ऑल्सो एक्सेप्ट द स्टेटस को, जो दिया गया है उस आधार को समझते हुए, मानते हुए आप अपने गोल को फुलफिल करते हैं। तो जैसे मुझे, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उस तरह और भी एग्जाम्पल, अगर मुझे पैसा कमाना है, अपने घर के मकान बनाना है या गाड़ी खरीदना है, तो मेरे पास एक नौकरी करना है, नौकरी में मेहनत करना है, प्रमोशन लेना है, अच्छे तनख्वाह बढ़ाना है, और उस माध्यम से हम धीरे धीरे अपने एक एक गोल को अचीव करते हैं। दिस इज अबाउट ए कन्फॉर्मिटी। आई डू डिपेंड अपॉन माई हार्ड वर्क एंड अकॉर्डिंगली आई वर्क एंड गेट वॉट आई एस्पायर फॉर। सो कन्फॉर्मिटी या अनुरूपता, उसको कहते हैं जब आपकी गोल्स
समाज के दिया हुआ तरीका जो व्यवस्थित या जो समाज ने जिस व्यवस्था को एक्सेप्ट किया है उस माध्यम से आप उसको अचीव करते हो। सो दैट इज कन्फॉर्मिटी, या इसको हिंदी में कहते हैं अनुरूपता। सेकेंड आई सी आई, आई स्टैंड्स फॉर इनोवेशन, जिसको आप हिंदी में नवाचार कहते हो। इसमें जब आपके गोल्स को अचीव करना है, सो यू आर इनोवेटिंग ए न्यू आइडिया एंड यू आर रिजेक्टिंग द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मींस। तो ये जो दिया हुआ व्यवस्थित माध्यम को आप उसको नकारते हो, एक्सेप्ट नहीं करते हो और एक नई तरीके से अपने गोल को अचीव करना चाहते हो। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, चीटिंग करके या चोरी करके या गलत तरीके से, अनफेयर मीन्स या करप्शन तरीके से, ये सारे चीज से करके अगर आपने पैसा कमाया और अपने गोल को अचीव किया, सो यू इनोवेटेड यू एज एन इंडिविजुअल, द सोसाइटी हैज नॉट गिवन दैट मीन्स। हमारे समाज की जो व्यवस्था था उस बात को नहीं दिया था, जो आपने अपना तरीका खोजा, शॉर्टकट रास्ता बनाया, गलत तरीका ढूंढा और उस अपने गोल को अचीव करने की प्रयास किया। तो ये जो नवाचार, इट इज नॉट ओनली रिजेक्टिंग द इंस्टीट्यूशनल मीन्स बट ऑल्सो क्रिएटिंग एनोमिक कंडीशन ऑल्सो। तो ये इनोवेशन जिसको आप नवाचार कहते हो। हर जिसको आप कहते हो, आर आर स्टैंड्स फॉर रिचुअलिज्म, विधिवाद। विधिवाद मीन्स व्हिच इज एक्सेप्टेड इन टर्म्स ऑफ लीगली लेजिटिमाइज्ड मीन्स। तो जितने भी आपकी गोल्स है, अगर आपने विधि के तहत कानून व्यवस्था जो हमारे सरकार या इंस्टीट्यूशनल लॉज या हमारे संविधान, ये सारे चीज को हम लेजिटिमाइज तरीके को देखते हैं, लेजिटिमाइज के हिसाब से अगर हम अपनी गोल को आप नहीं करते हैं आप गलत तरीके से, और हम इसको लेजिटिमाइज तरीके से करते हैं, तो रिचुअलिज्म। इट इज नॉट सिंपली द आइडिया ऑफ मेटेरियलिज्म बट इट इज ऑल्सो द आइडिया दैट हाउ यू शुड कन्वर्ट इन टू ए लेजिटिमेट मीन्स। तो आपकी जो कल्चरल गोल्स है उसको पाने के लिए आपने अगर लेजिटिमेट मीन्स को अपनाया, देन इट बिकम्स द रिचुअल्स। और ये सारे चीज को समझने के लिए जब आपको लगेगा जे रिचुअलिज्म एंड इनोवेशन में क्या अंतर रहा, बट यहाँ पे लेजिटिमेशन की बात करते हैं, जो ना कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी के दिया हुआ, रादर दिस इज पार्ट ऑफ द लार्जर इंस्टीट्यूशन जिसको आप लीगल या विधि व्यवस्था जो कहते हैं, उस लीगल डिस्कोर्स को जब समझते हैं, उस तहत उस आइडिया को हम अप्लाई करते हैं एंड वी कंटिन्यू टू अचीव द गोल्स, इट इज अबाउट रिचुअलिज्म। देन अनदर आर स्टैंड्स फॉर रिट्रीटिज्म, जिसको आप हिंदी में अगर स्पेसिफिकली उसको वापसी कहते हैं, कमबैक कहते हैं, वो क्या है ना, आपने जब आप अडॉप्ट करते हो एक नई मीन्स को और जो चीजों को मतलब कहने की मतलब, जो आपने दोनों तरीका को रिजेक्ट किया जो आपके पास ऑलरेडी था और उसको फिर वापस लेजिटिमाइज किया, सो दैट मीन्स Which was not accepted in earlier sense, पहले उसको दिया ही नहीं गया था, बट जब लेजिटिमाइज हो गया देन यू एक्सेप्ट इट, पहले ये एक्सेप्टेड नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बिफोर कोविड हमारे पास एक लेजिटिमेट तरीका नहीं था जब हम घर पे रह के पढ़ाई करें और हमें डिग्री मिल जाए, ऑनलाइन एजुकेशन, बट समाज और सरकार इसको एक लेजिटिमेट बना दिया, देन यू गेट योर डिग्रीज थ्रू दैट मीन्स। तो आपको बिना यूनिवर्सिटी बिना इंस्टीट्यूशन जाके जब आपने उसे अचीव किया, सो दैट मीन्स यू लेजिटिमाइज्ड ए न्यू कंडीशंस टू अचीव योर गोल।
So you adopted something new and you rejected something was not accepted earlier, but when it is legitimized, then you accept that and you achieve your goal. इसको हम कहते हैं रीट्रेडिशन। फाइनल जो आर स्टैंड्स फॉर रिवेलियन, रिवेलियन में आपको जिसको आप हिंदी में कहते हैं विद्रोह, ये जो तरीका है स्पेशली व्हेन यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द लेजिटिमाइज मींस एंड आपने एक सिस्टम्स को डिनाई करते हो और वो डिनाइल आपको एक टेररिस्ट बनाता है, एक नक्सल्स बनाता है, जो आप अपने गोल पाने के लिए, नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप कुछ भी करते हो। सो दैट इज ए रिवेलियन। आप अपने चीजों को मनमानी करने के, माने मनाने के लिए, पाने के लिए कुछ भी करते हो मनमानी, वो रिवेलियन हो जाता है। सो दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग योर ओन मीन्स व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द इंस्टीट्यूशंस नॉर इट इज लेजिटिमाइज्ड। तो आपके सारे गोल्स को अटेनमेंट के लिए, स्पेशली अगर वेल्थ, रात रात आपको अमीर बनना है, बहुत पैसा कमाना है, सपोज समबडी जॉइंस इन ए टेररिस्ट ग्रुप, तो आपको बहुत पैसा तो मिलेगा, बट इट इज इन अनोमिक कंडीशंस बिकॉज यू रिजेक्टेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द सोसाइटी। तो समाज की सारी जो व्यवस्था, आप उस बात को खंडन करके एक नई तरीका आपने खोजा जो समाज ना भी थी उसको एक्सेप्ट करता है, उसको हम कहते हैं रिवेलिया। इसी डायग्राम को अगर आप देखेंगे, दैट वेयर इज कंफर्मिटी, वेयर इज इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रिटिज्म, रिवेलिया। तो कंफर्मिटी में गोल्स और मीन्स में दोनों में एक प्लस, दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग, यू आर अचीविंग योर गोल्स थ्रू द मीन्स गिवन बाय द इंस्टीट्यूशंस, समाज में जो दिया हुआ, जिसमें कॉलेक्टिव कंसाइंस है, जिसमें कॉलेक्टिव एक्सेप्टेंस है, उस आधार पर, उस माध्यम से आप अपने गोल्स को अचीव करते हो। दिस इज कन्फर्मिटी। इसलिए हमने दोनों जगह पे प्लस प्लस सिग्नल दिखा रहा है, सिंबल। आपने एग्जाम्पल भी जो मैंने दिया अभी भी आप उसको देखोगे, देर आर एम्प्लॉयज, दोज हु डू हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, इसी माध्यम से अपनी प्रमोशन लेते हैं, बिकॉज दिस इज एक्सेप्टेड बाई एनी इंस्टीट्यूशन, बिकॉज ऑफ योर ओन हार्ड वर्क यू अचीव योर। दिस इज द डायग्राम एंड हाउ इट शोज बोथ गोल्स एंड मीन्स पॉजिटिव। इनोवेशन, गोल्स आर लेजिटिमाइज्ड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, बट द मीन्स व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेड। तो जहां पे इनोवेशन की बात है, आप कुछ करना चाहते हो, द गोल्स इज परफेक्ट, बट द मीन्स यू अप्लाई और यू फॉलो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, नाइदर इंस्टीट्यूशनली नॉर लीगली। तो जैसे भी जितने भी ट्रैफिकिंग्स, सेक्स ट्रैफिकिंग वाले हो सकते हैं, ड्रग डीलर वाले हो सकते हैं, प्रोफेशनल करप्टेड पीपल हो सकते हैं जिसको प्रोफेशनल थीव्स कहते हैं, ये सारे लोग जो मीन्स के माध्यम से कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, अपनी अपनी इनोवेशंस, जैसे समबडी इज एक्सपर्ट इन हैकिंग, तो जो सॉफ्टवेयर एंड नॉलेज को अगर पॉजिटिव तरीके से, आपने गोल था जो मैं बहुत पैसा कमा लूंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रिपेयरिंग न्यू फंक्शंस, न्यू प्रोग्राम्स, न्यू लैंग्वेज, ये आपकी गोल्स है एंड दैट इज पॉजिटिव, बट मीन्स यू आर हैकिंग द अकाउंट्स, यू आर हैकिंग द प्राइवेसी, यू आर हैकिंग डिफरेंट ईमेल अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट पीपल, सो दैट बिकम्स द नेगेटिव मीन्स। तो आपकी ये जो इनोवेटिव तरीका, नॉलेज आपने यूज किया, दैट इज नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नॉट लीगलाइज्ड। देन रिचुअलिज्म, रिचुअलिज्म केस में मैंने जैसे आपको बताया था, द गोल्स आर नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, बट मीन्स यू पुट दैट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। तो दैट मीन्स आपने जो गोल सेट किया वो आपको लगेगा जो ये गोल आपका है व्हिच इज नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, और मीन्स आपने जो अप्लाई किया वो आपने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया। तो फॉर एग्जांपल, जितने लोगों को लगता है जो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम हार जाएंगे, पीछे रह जाएंगे,
तो इस तरह चीजों में आपको जो नेगेटिव कंडीशंस लग रहा है, तो आपकी गोल्स, ये जो आप नहीं कर पाओगे, मेरा कुछ अच्छा होगा नहीं, ये जो गोल्स है, इट इज नॉट पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, बट मीन्स आप अपना काम करते जा रहे हो, बट गोल है आपके पास एक नेगेटिव या पेसिमिस्टिक, जो आपकी आशा आपने छोड़ दिया, जो मेरा कुछ भला नहीं होने वाला है, मेरा कुछ अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगी, ये आपकी गोल्स के अंदर जुड़ा हुआ जो नेगेटिव है, बट यू अप्लाई द मीन्स विच इज पॉजिटिव, आप अपना काम स्वयं करते रहते हो, कंटिन्यूअसली इफर्ट डालते रहते हो, दैट इज इंस्टीट्यूशनलाइज एंड लीगलाइज एक्सेप्टेड रियलिटी, बट जो गोल्स है वो सही नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रिएलिटी देन बोथ गोल्स एंड मीन्स बोथ आर नेगेटिव, यहाँ पे ना आपकी गोल्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ना मीन्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, ना गोल्स लीगलाइज ना मीन्स लीगलाइज्ड, तो जितने भी टेररिस्ट हो सकते हैं, ड्रग एडिक्शन पीपल हो सकते हैं, जो लोग डकैत या मर्डरर रेपिस्ट होमलेस पीपल हो सकते हैं, तो इन लोगों के पास ना गोल्स पॉजिटिव है ना मीन्स पॉजिटिव है, सो दीज आर दी एस्पेक्टिंग शोइंग दैट बोथ आर नेगेटिव, बट जब रिवेलियन की बात करते हैं, सो देर आर न्यू गोल्स दे प्रिपेयर, न्यू गोल्स दे प्रिपेयर एंड न्यू मीन्स दे प्रिपेयर, क्यों? बिकॉज ऑफ द रिवेलियन एटीट्यूड, जो दिया गया है उस चीज से वो संतुष्ट नहीं है, वो कुछ नया सर्च कर रहे हैं, नई चीज पाने की प्रोसेस में, तो एक न्यू, यहाँ पे इनोवेशन नहीं है, बट यू आर क्रिएटिंग योर ओन गोल्स, यू आर क्रिएटिंग योर ओन गोल्स, यू आर क्रिएटिंग योर ओन मीन्स, यू आर नॉट गाइडेड बाय एनी गिवन मीन्स, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बट यू आर क्रिएटिंग योर ओन गोल्स, योर मीन्स थ्रू योर रिवेलियन एटीट्यूड, सो जितने भी रिवोल्यूशनरीज हैं, जितने भी फ्री स्पिरिट लोग हैं, फ्री थिंकर हैं, फ्री आइडियोलॉजिकल लोग हैं, तो वहां पे एक रिवेलियन एटीट्यूड आता है, जो आपको एनोमिक कंडीशंस को भी बताता है दैट हाउ यू आर डिफरेंट, हाउ यू क्रिएट समथिंग डिफरेंट एंड विच इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोशल स्ट्रक्चर। तो आज मैंने आपको डेविएंस और एनोमी, ये दोनों चीज को डिस्कस किया, इफ यू फील एनी डाउट यू कैन सेंड द कमेंट्स, जब भी आपको लगे जे कोई आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाया, यू कैन टेक्स्ट मी यू थ्रू योर मैसेज, देन आई कैन क्लैरिफाई इन फर्दर लेक्चर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल सर क्लासेस।